Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now see question 7. Question is, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. यानी जो दो गिवन नंबर्स हैं कॉम्पोजिट क्यों हैं? कि क्वेश्चन आप ऑलरेडी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. अगर इस नंबर में मैं 13 कॉमन ले लूं, देखिए एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, दो टर्म है, दोनों टर्म में से 13 कॉमन आ रहा है, यहां कितना मिलेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, ये आपको मिलेगा. मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो 7 into 11 is 77 और 77 plus 1 कितना हो जाएगा 78. तो ये जो नंबर है nothing but the product of 78 into 13. अब ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा है और नंबर 78 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा. हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो सिंस नंबर इज 7, ये जो प्रोडक्ट आएगा कोई एक पर्टिकुलर नंबर आएगा. अब ये जो आएगा नंबर ऑप्टेन, नंबर जो आएगा आपका ये प्रोडक्ट ऑप्टेन करने के बाद, नंबर इज डिविजिबल बाय 13, 78 एंड अदर नंबर्स, एंड अदर नंबर्स 2 से भी जाएगा ये, एंड अदर नंबर्स, ठीक है. अब जब ये अदर्स नंबर से जा रहा है तो ये क्या होगा, प्राइम तो हो नहीं सकता, कॉम्पोजिट नंबर होगा. ऑल्सो अगर हम बात करें 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, अगेन यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, और यहाँ से 5 कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ये आपको मिलेगा. अगेन ये नंबर क्या होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा. सिंस ऑप्टेंड नंबर विल बी divisible by 5 and number itself. 5 से भी हो रहा है, number itself से भी हो रहा है और दूसरे number से भी divide होगा. Therefore, it can't be prime. ये prime हो नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा, composite number होगा.